एक और चीज बनाते हैं इंड कैप, इसी में हम इंड कैप बनाते हैं। तो इस स्केच को वापस से ऑन करते हैं और फिर वापस से एक इंड कैप बनाते हैं। तो सेम जो ये हमारा डायमेंशन था, क्योंकि हमें एक ही मोल्ड में चार चीजें बनाना है, कपलर भी, इंड कैप भी, कपलर रिड्यूसर 2 इंच के साथ हाफ इंच और 2 इंच के साथ 1 इंच, एक ही मोल्ड में चार आर्टिकल हमें निकालना है। तो एक ही आर्टिकल का जहाँ से पार्टी लेंथ सेंटर स्टार्ट होगा, चारों आर्टिकल पे सेम रहना चाहिए, ताकि कोर साइड हमारा सेम रहे, कैविटी साइड को हम चेंज करके आर्टिकल को रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो उसको ध्यान में रख के हम आर्टिकल बनाएंगे। तो जो ये डायमेंशन है उसी के हिसाब से हम बनाते हैं। तो एक और यहाँ से डायमेंशन लेते हैं हम 54, ओके। और यहाँ से हम इसको डायमेंशन देते हैं सेंटर लाइन, ये 150 किधर गया, ये नीचे आ गया। इसको हम इस लाइन से ओरिजेंटल कर देंगे, ये यहाँ पे हमारा आ गया। सेम प्रोसेस जैसे हम इसको कपलर में बनाए थे वैसे ही एक लाइन ले लिए और ये 54.5। ये एक ही चीज को हम मूव करके कॉपी करके हम बना सकते थे, लेकिन आपको इनिशियल एज पे फ्रेशर के लिए समझ आए, इसके लिए एक ही चीज को हम बार बार करके देख रहे हैं, ताकि आपको भी बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड हो पाए ये पॉइंट। वापस से इसको कनेक्ट कर देंगे और ये इसको कनेक्ट कर देंगे। जिस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, सपोज डेट आपको यहाँ से एक लाइन सेंटर में ऐसे लेना है, तो आप इतना छोटा करके मत लीजिए, उसको टच करके पॉइंट परफेक्ट पॉइंट टच कीजिए, ताकि वो परफेक्ट टच हो। और इसका भी डायमेंशन देते हैं, ये हमारा डायमेंशन था 43.5। ये हमारा सॉकेट लेंथ है, ये सॉकेट बॉटम डायमीटर, सॉकेट इंट्रेंस डायमीटर, और ये हमारा हो गया सॉकेट लेंथ। इसमें भी हम इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वॉल देते हैं, तो वॉल हम 4.5 का इधर वॉल दिए थे, ये हो गया सेम इधर 4.5, ओके। ये दोनों साइड वॉल हो गया। इसके बाद ये एक सीधा लाइन दिए थे, तो ये लाइन को टेपर दिए थे हल्का सा, तो सेम इसको भी टेपर दे देते हैं। और वो टेपर कितना था, कितने का एंगल, 0.2 का, बैटरी लो आया ना, 19.2। सेम इधर भी कर देते हैं, कनेक्ट कर दे 19.2, दोनों साइड हमने दे दिया सेम। और इसके बाद यहाँ पे एक लाइन लेते हैं 1.5 का, ये हो गया सेम, यही लाइन 1.5 का दूसरे साइड भी दे देते हैं। और दोनों को जैसा कि आपको दिखाए थे मेक सिमेट्रिक करके, ये लाइन और ये लाइन को सेंटर लाइन से, तो अभी हमें यहाँ पे एक सेंटर लाइन देना पड़ेगा, ये सेंटर, ये सेंटर, सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन, एक सेंटर लाइन दे दिए। इसके बाद इसके थ्रू हम इसको मेक सिमेट्रिक कर देंगे, ये लाइन, ये लाइन को सेंटर से मेक सिमेट्रिक, जो यहाँ पे समथिंग रॉन्ग, कर दो ना। तो इसको मेक सिमेट्रिक कर दिए, अभी इसको वेयर इज ऑफलाइन, यहाँ तक हम 2D बना चुके हैं। तो इसको जैसा हम लास्ट में कपलर वाले में इसको किए थे वैसा ही सेम, ये 54 का है तो ये 52 का देते हैं, ताकि दोनों साइड 1-1 mm का स्टॉपर मिल सके। ये हम दे दिए 52 का, और इसके सेंटर से इसके सेंटर को अलाइनमेंट देते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट, ये हो गया। अभी दो कॉन्स्टेंट डायमेंशन अभी बता रहा है, जब ये एक ये है और एक ये है, ये दोनों को हम, अगर सपोज डेट आपको स्केच करते वक्त ऐसा रेड सिंबल आता है, इट मींस ये गलत हो गया, कहीं ना कहीं डायमेंशन कुछ गलत हो गया, तो इसको हम कंट्रोल जेड करके या इसको हटा देंगे और इसके बाद इसको सही डायमेंशन देंगे। तो ये हमारा ऐसे आ गया। इसके बाद ये दोनों लाइन को हम एक बराबर इक्वल लेंथ कर देंगे। इक्वल लेंथ करने के बाद ये हमारा जैसा कि कपलर था, ये वाला कपलर था, ये वाला एंड कैप बना रहे हैं, तो इसको एंड कैप का यहाँ से लेके एक यहाँ तक इसके ऊपर
ये दे देते हैं। और इसके बाद इसका जो डायमेंशन है सेंटर से वो डायमेंशन दे देते हैं। तो ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा डायमेंशन 52, ये 52 हमारा डायमेंशन हो गया। और इसके बाद एक कांस्टेंट और बता रहा है, यानी इसका अभी ये रेडियस का डायमेंशन दे दीजिए आप 100 का, सपोज डेट तो ऐसा आया। और इसके बाद ये कॉर्नर पे जो है ये शार्प दिख रहा है, तो इसको हम यहाँ से फिलेट लेके इसको रेडियस करते हैं। तो 5 का फिलेट मार देंगे, 5.5 का इधर, सेम 5.5 का इधर फिलेट मार देंगे। फिलेट के लिए दोस्तों हम F प्रेस करेंगे तो भी फिलेट का ऑप्शन आ जाएगा, या तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है वहाँ से भी आप फिलेट ले सकते हैं। अभी हमारा डायमेंशन फुली कॉन्स्टेंट नहीं हुआ, तो उसको फुली कॉन्स्टेंट करेंगे। अभी डायमेंशन मांग रहा है, तो ये हम जो डायमेंशन दिए थे वो डायमेंशन निकल गया, ये 52 हो गया डायमेंशन। और इसके बाद एक डायमेंशन और मांग रहा है, इट मीन्स ये लेंथ मांग रहा है। तो ये कंट्रोल जेड, ये लाइन और ये लाइन को हम इक्वल लेंथ कर दिए, ये हमारा फुली कॉन्स्टेंट हो गया और ये हमारा इंड कैप रेडी हो गया। अभी इसको फिनिश स्केच, फिनिश स्केच करने के लिए दो ऑप्शन यूज करते हैं, या तो आप कंट्रोल क्यूब करेंगे तो फिनिश हो जाएगा, या सिर्फ कीबोर्ड से क्यूब प्रेस करेंगे तो ये फिनिश स्केच हो जाएगा। ये देखो, या तो आप यहाँ से फिनिश स्केच कर सकते हैं ऑप्शन से, या कीबोर्ड से क्यूब प्रेस करेंगे तो ये फिनिश स्केच हो जाएगा। ये हमारा कपलर हो गया, ये हमारा इंड कैप हो गया। तो इसका आप 3D बनाते हैं, तो सबसे पहले रिवॉल्व लेते हैं, यहाँ पे रीजन बाउंड्री कर्व करते हैं, रीजन बाउंड्री कर्व इसको लेते हैं और वेक्टर में जाके ये वेक्टर हम दे देंगे, तो ये हमारा ओके हो गया। अभी इसका हम सेक्शन करके कंट्रोल एच से सेक्शन करके हम देख सकते हैं, तो देखिए ये हमारा प्रॉपर ऐसे आ रहा है। लेकिन अगर सपोज डेट देखिए, आपको अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो ये डिस्प्ले यहाँ पे विजुअल साफ नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। उसको विजुअल क्लियर दिखने के लिए डिस्प्ले हमारा अपडेट नहीं है, तो यहाँ पे कस्टमाइज में जाके इस पर हम सर्च कर लेंगे अपडेट डिस्प्ले, अपडेट डिस्प्ले, और इसको हम अपने सामने रख लेंगे ताकि बार बार यूज करते रहें। और यहाँ से देख, अभी हम इंड कैप बना दिए, इसको हम कंट्रोल एच करके देख लिए, बराबर स्केच पे आया है, ओके।